पूरे देश में भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर हर एक घर में जहां आज से तिरंगा फहराया जाएगा, वहीं कई जगहों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। भागलपुर शहर के सैंडस कंपाउंड से भी शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की 2 सदस्यीय टीम ने यहां आकर यात्रा का पूरे तरीके से मुआयना किया और कार्यक्रम के अगुवाई कर रहे लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल और प्रशस्ति पत्र सौंपा है। सैंडस कंपाउंड से बीजेपी नेता अरिजीत सारस्वत और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह सहित कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 75 फीट का लंबा तिरंगा के साथ साथ 75 स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में बच्चों को सजाकर यात्रा को निकाला गया। यह यात्रा सैंडस कंपाउंड से निकलकर खलीफा बाग चौक होते हुए लाजपत पार्क में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों हजार की संख्या में आम लोगों के साथ साथ कई स्कूल के बच्चे बच्चियों सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी थे। सभी ने हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गुंजायमान रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने बताया कि 75 स्वतंत्रता सेनानियों और 75 मीटर के तिरंगे के साथ निकाले गए यात्रा को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जमुई की विधायक ने इस मौके पर कहा कि भागलपुर पहले भी 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करा चुका है और तीसरी बार भी यहां के लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कराया है, जिसके लिए उन्होंने यहां के लोगों को बधाई। कुछ हुआ है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भागलपुर का है। हम लोगों ने तो एक प्रयास किया था, एक अटेम्प्ट था, जो कि अभी आपने देखा कि पूरा हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की जो टीम यहां पर आई है, नार्वेकर जी और उनके सहयोगी, उनके द्वारा इसकी अभी विधिवत घोषणा हुई और फिर से भागलपुर तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके सामने बना है, इसमें मुख्य रूप से भारत का 75 मीटर का जो ध्वज है, आप देखा किस प्रकार से फहराता हुआ पूरे शहर में ये घूमता हुआ आज यहाँ पर उपस्थित हो पाया। हम सब लोगों ने सम्मान के साथ उस ध्वज को यहाँ लाए और जनमानस का सपोर्ट मिला, बहुत सारे स्कूलों का सपोर्ट मिला, संगठनों का सपोर्ट मिला और 75 स्वतंत्रता सेनानी के भेष में आपने देखा कि जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आए थे, इस सब लोगों मिलकर के और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में सफल हुए हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई अरिजीत शाश्वत जी को सारी बधाइयां दे रही हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में सम्मान के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है और यहाँ भागलपुर बिहार की धरती पे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी है और गर्व भी होता है। ये से बन चुका है एक्चुअली भारत के 75 अमृत महोत्सव पे और घर घर तिरंगा के अभियान पे जो आज ये कार्यक्रम प्रायोजित किया हुआ है। वंदे मातरम फाउंडेशन के जो सर्वे सर्वा है अरिजीत शाश्वत जी ने, इन्होंने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जो 75 मीटर लंबा ही के साथ साथ 75 स्टूडेंट्स ने जो स्वतंत्र सेनानी के जो अपने फ्रीडम फाइटर है उनके वेशभूषा में उन्होंने उस तिरंगे को होज किया है। सो दिस इज द यूनिक रिकॉर्ड और आज के दिन पे ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया जो विच इज द टॉप मोस्ट रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसमें ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। तो हम भागलपुर वासियों को और सारे जनताओं को हम कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले रिकॉर्ड है बट ये रिकॉर्ड कभी बना नहीं था, इसे 75 मीटर लंबा और 75 मीटर लंबा और उसके साथ 75 फ्रीडम फाइटर के वेशभूषा में जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा रिकॉर्ड बना नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड बन चुका है, दिस इज यूनिक रिकॉर्ड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।